हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, अपन नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस एंड आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलो आज अपन क्वेश्चन आंसर के ऊपर ऑफ द इंडेक्स नंबर चैप्टर फोकस कर लेते हैं। अगर किसी ने पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको देख लेना, बिकॉज वो सब इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। उसके अंदर मैंने फॉर्मूला सिखाए थे, कुछ फॉर्मूला सिखाए थे लॉजिक्स के साथ, क्योंकि उन्हीं के ऊपर अपन आज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप वो फॉर्मूलाज आपको याद है और वो वीडियो लेक्चर आपने एक बार फिर से सुन लिया है। तो चलो क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। ये अपना बर्ड्स आई व्यू था, टाइप्स एंड वो सब, तो ये चलो आगे बढ़ लेते थे हम लोग। ये टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर सीखा था हमने, प्राइस क्वांटिटी वैल्यू, इन्हीं तीनों के ऊपर आज अपने को फोकस करना है। स्पेशल इंडेक्स नंबर के लिए मैंने अभी भी शुरुआत की नहीं है। ओके, तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, क्वांटिटी क्या है, वैल्यू क्या है, इसको इंट्रोडक्शन में भी बात किया था, प्लस साथ में मैंने इसका फॉर्मूला भी सिखाया था। अगर ये स्लाइड अच्छे से याद है तो, स्लाइड याद हो ना हो फॉर्मूला याद होने चाहिए एक बार छे तो देख लो फॉर्मूला। सिंपल एम का फॉर्मूला इस P01 = I1 I2 सब ये फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिए थे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं क्वेश्चंस पे जाना चाहता हूँ, क्वेश्चन चालू कर लेते हैं। ओके, लेट्स कॉन्सेंट्रेट एवरीबडी। क्या लिखा, फाइंड सिंपल 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 नॉट वेटेड, ठीक है। एक एक वर्ड से समझो तुम लोगों को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, गड़बड़ नहीं करना। डब्ल्यू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, सिंपल बोला है। तो फाइंड सिंपल ए एम एंड जी एम दोनों करेंगे ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। तो एक क्वेश्चन है जिसका अपन यहाँ पे क्या सॉल्व कर ले आंसर, वो आंसर तो कर लेंगे। ये क्या कॉलम है, क्यों मैंने टेबल बनाया उसको छोड़ो, मेरे को पहले तुम फॉर्मूलाज बताओ। दो फॉर्मूला, एक सिंपल ए एम ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मालूम नहीं तुम लोगों को मालूम है या नहीं है, बट फिर भी अपन बोलने का, वी नो दैट व्हाट सिंपल एरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, इसका फॉर्मूला मैं लिखना चाहता हूँ। इसको याद है बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है याद दिला देता हूँ। P01 यानी प्राइस इंडेक्स नंबर का एनोटेशन है इज इक्वल टू, याद है क्या, समेशन ऑफ I डिवाइडेड बाय K, खत्म। तो बस ये चीज फाइंड आउट करेंगे, इधर वैल्यू रखेंगे, फॉर्मूला डालेंगे, कैसे करेंगे, आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड, सिर्फ ए एम नहीं बोला है, जी एम भी तो बोला है, तो चलो उसका भी फॉर्मूला कुछ यहाँ पे लिख लेते सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो सिंपल जी एम ऑफ प्राइस रिलेटिव अगेन P01 प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, याद है क्या बोला था, एम एरिथमेटिक मीन मतलब क्या करो, प्लस 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 यानी समेशन सिग्मा टोटल करके डिवाइड कर लो। ज्योमेट्रिक मीन मतलब टोटल करो नहीं, मल्टीप्लाई करके रूट में डालो, तो करो मल्टीप्लाई। तो कितने आई है यहाँ पे, तो बेसिकली आई चार है मैं, लेकिन एक फॉर्मूला लिखना है तो मैं फॉर्मूला ऐसा लिखना चाहता हूँ, I1 × I2 × ब्ला 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 जितने भी रहेंगे टू द पावर 1/k। ये तो जस्ट अभी फॉर्मूला लिखा है, फिर इसको अपन क्वेश्चन स्पेसिफिक सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट एवरीबडी कमोडिटी। नाउ करंट प्राइस, इसका नोटेशन मैंने आपको सिखाया, करंट प्राइस मतलब क्या, पी, बेस प्राइस मतलब भी क्या, पी। तो कौन सा पी कैसे पता चलेगा, पीपी करेंगे क्या दोनों को, नहीं। तो करंट प्राइस को अपन बोलते हैं P1 एंड बेस प्राइस को बोलते हैं P0। ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझा इस चीज को। तो कमोडिटी के बाद में यहाँ पे फिर से एक बार प्राइस P1 लिखना चाहता हूँ, P0 लिखना चाहता हूँ। P1 क्या है, ABCD कमोडिटी, बस ये मैंने वही क्वेश्चन ही कॉपी कर लाओ, 10, 5, 12, 8, 8, 5, 6, 3। तो ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन P1 P0 जरा चेक करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो इधर किसी भी फॉर्मूला में P1 P0 है ही नहीं, सब जगह पे आई दिख रहा है मेरे को, आई। कोई बोलेगा ये के क्या है, तो सुन, आई मैंने बोला था आई फॉर इंडिविजुअल इंडेक्स, अरे क्या आई फॉर इंडिविजुअल इंडेक्स, और उसका फॉर्मूला है P1 / P0 × 100। यही फॉर्मूला जिससे हमने इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया था पढ़ने को। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मतलब मैं वही आई फाइंड आउट करना चाहता हूँ। एक बार बोलेंगे क्या फिर से, आई फॉर इंडिविजुअल इंडेक्स इज P1 / P0 × 100। आई मतलब इंडेक्स नंबर ही है ना, तो फॉर्मूला भी इंडेक्स नंबर का ही लगाऊंगा, बट समेशन नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज इंडिविजुअल इंडेक्स है, सिंगल नंबर से। तो कैलसी पे बस तुम लोग को क्या करना है शायद समझ में आ गया है। तो आई कमोडिटी कितना है, ABCD, चार कमोडिटी, मतलब मुझे यहाँ पे क्या मिलते जाएगा, I A I B I C and I D, या वी कैन से दैट I1 I2 I3 and I4। इज इट क्लियर क्या करने जा रहा है, प्लीज समझ लो। तो P1 मतलब P1 ये 10,
डिवाइड बाय पी जीरो मतलब ये फाइव पी वन डिवाइड बाय पी जीरो, तो पी वन को डिवाइड बाय पी जीरो और इंटू 100 बस कैलसी करते चलो और आंसर बोलते चलो। तो कैलसी उठाओ और ट्वेल्थ वालों कैलसी तो अलाउड है नहीं, तो कैलकुलेशन करो क्या क्या करोगे। मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, पी वन मतलब ये 10, इसको डिवाइडेड बाय पी जीरो मतलब 5 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100, ये कैलकुलेशन करेंगे अपने को अपना आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑली यार 5 5 2 10 2 ये आ जाएगा 200। सेम वे आगे बढ़ते हैं फटाक से लिख लेते हैं, तो ये 12 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100, तो 12 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 करेंगे तो 4 3 3 3 बाय 2, तो ये 3 बाय 2 करेंगे, 3 बाय 2 ऑफ 100 इज ये 150 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे P1, तो 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 ये कैलकुलेशन करो तो ये 20 20 160 आ जाएगा। ठीक है, तुम आराम से कर लो, अभी के लिए समझ लो, मैं फटाक से करके दे रहा हूँ। फिर क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, तो ये तो 3 2 6 200 हो जाएगा और इसकी टोटल मेरे साथ करना 200 200 200 400 600 710, दिस इज द टोटल। इस टोटल को क्या मैं समेशन ऑफ आई बोल सकता हूँ, जरूर समेशन ऑफ आई मिल गया अपने को 17। अभी चेक कर लो कौन से फॉर्मा में क्या काम है, ये देख ये सिंपल एरिया में क्या चाहिए समेशन आई, ये मिल गया डायरेक्ट 710, इसको डिवाइडेड बाय 710 दिस होल डिवाइडेड बाय व्हाट, के के इज फॉर 1 2 3 4, फोर प्रोडक्ट्स फोर कमोडिटीज आर देयर, तो 710 डिवाइडेड बाय 4 ये कर लो तो ये आ जाएगा 177.5 आ जाएगा ये। ठीक है, 177.5 ये तुम्हारा हो गया आंसर। इसको कभी परसेंटेज का सिंबल लगाने का नहीं, ऐसा मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर में चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, आई होप ये आपको क्लियर है। आगे बढ़ना है, अभी सिंपल ज्योमेट्रिक मीन सब वैल्यूज है अपने पास, बस उस वैल्यूज को मुझे बोलते जाओ, अपने को फॉर्मूला में रिप्लेस करते जाना है। आई वन दिस इज योर आई वन यानी क्या है, 200 इंटू आई टू यानी 150 इंटू आई थ्री यानी 160 इंटू आई फोर भी तो है, तो आई फोर 200 और टू द पावर 1/k मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा 1/4, इज इट क्लियर। फिर ये कैलकुलेशन करो, ये कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा कैलसी, ये मैंने फर्स्ट ईयर के बुक से क्वेश्चन लिया है, दैट्स व्हाई ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, तो ट्वेल्थ वाले टेंशन में मत आना इतना बड़ा कैलकुलेशन मार्क कसम कैसा करें, इसी में 15 मिनट जाए, कोई बोलेगा 15 मिनट कम बोला तो आधा घंटा जाएगा, तो इतने बड़े कैलकुलेशन नंबर तुम लोग को आने वाले नहीं है, ये कैलसी अलाउड है, इसके लिए ऐसे बड़े बड़े नंबर के साथ में कैलकुलेशन कर लो, तो ये चार नंबर मल्टीप्लाई करो और 1/4 मतलब क्या करो उसका 2 बार स्क्वायर रूट निकालो, तो उस चीज का जो भी आंसर आएगा वो कैलसी पे फटाक से आंसर आ जाता है, तो मैं कैलसी पे कर लेता हूं तो आंसर आ जाता है 176.02। तो दिस इज द इंडेक्स नंबर कौन सा वाला, ज्योमेट्रिक मीन वाला, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये जो हमने किया वो कौन सा था, अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर है, जिसके अंदर मैंने दोनों भी इंडेक्स नंबर आपको सिखा दिए, दोनों के दोनों इंडेक्स नंबर कौन से थे, सिंपल वाले थे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं विद द क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हम सीखेंगे वेटेड वाला क्वेश्चंस, एक ही मेथड जो मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने ये डिस्कशन पे बोला था ये वाला याद है, तो ये वेटेड ज्योमेट्रिक मीन पे अपने को आज फोकस नहीं करना, तो वेटेड एएम का फॉर्मूला क्या था, समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, इसके ऊपर एक सिंपल क्वेश्चन, तो चलो जो कर लेते हैं, तो वी नो दैट क्या बोला है, वेटेड सॉरी वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर यानी पी 01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डब्ल्यू, तो क्वेश्चन सब प्रोवाइड करेगा, अभी अभी हमने सीखा आई क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन में सीख लेना व्हाट इज आई, तो ये सब वैल्यूज अगेन मुझे एक बार रिपीट में लिख देनी है, फटाफट स्पीड में रख रहा हूँ, क्योंकि पिछला क्वेश्चन हमारे पास बता था हमने कैसे किया है, तो करंट प्राइस को पी वन, बेस प्राइस को पी जीरो एंड वेट इज फॉर डब्ल्यू, तो अगेन मैं लिखना चाहता हूँ पी वन पी जीरो, ओके
लेट्स कॉन्सेंट्रेट एवरीबडी प्लीज. समेशन पी वन पी जीरो बता दी. चलो मेरे को 10 15 18 20 ये इधर ई और एक है 25 और बाद में मैं यहाँ पे उसका कर दूंगा टोटल. चलो ठीक है, पी जीरो बता दो मेरे को 8 10 9 8 10 ओके. फॉर्मुलास के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलेंगे अपन. W मैं यहाँ पे नहीं लिखना चाहता हूँ बिकॉज मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज चाहिए, वो है I. I का फॉर्मूला बोलो ना, पी वन डिवाइडेड बाई पी जीरो इंटू 100. तो ये पी वन ये पी जीरो इंटू 100 करेंगे, अपने को ये एक एक आंसर मिल जाना चाहिए. तो 10 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 ये अगर अपन कर लेते हैं तो 24 जा एंड 25 जा 25 जा लगभग ही आ जाएगा, लगभग नहीं एक्चुअली इसका आंसर आ जाएगा 125. ठीक है तो ये आ गया 125. ऐसे ही सब कैलकुलेशन फटाफट कर लेना है. तो 10 डिवाइड बाय 8 ना 15 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 करोगे तो ये तो ओरल ही है, ये 150 आ जाएगा. देन 18 डिवाइडेड बाय 9 तो ये 2 इंटू ये 200 आ जाएगा. 20 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 तो ये भी तो ओरल 250 हो जाएगा. और 25 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 25 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 भी 250 ही आएगा. हाँ 250 आएगा. ओके तो ये है हमने फाइंड आउट किया हुआ आई दैट इज इंडिविजुअल इंडेक्स. लेकिन मुझे समेशन ऑफ आई नहीं चाहिए, समेशन ऑफ आई डब्ल्यू. फॉर्मूला की गहराई को समझो, समेशन सिर्फ आई को मल्टीप्लाई नहीं है, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का टोटल चाहिए. तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू कॉलम बना रहा, दैट इज आई डब्ल्यू कॉलम. जिस कॉलम के अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो आई अभी हमने फाइंड आउट की है इन सब को मल्टीप्लाई करूंगा बाय दिस डब्ल्यू का एक एक नंबर. ओके तो W वाले से मल्टीप्लाई करके मुझे एक एक नंबर मिलेगा और बाद में उसके अपने को क्या चाहिए टोटल. तो क्या कर लो प्लीज समझो, 125 A कमोडिटी का I मल्टीप्लाई विद A कमोडिटी का वेट. तो मैं यहाँ पे W का कॉलम बना के भी कर सकता था बट वो मेरे पास ऑलरेडी जगह नहीं है तो मैं W का कॉलम नहीं बना रहा. कुछ समझ जाएगा क्या बोलो, नहीं समझ आए तो चल बना देता है रो मत. ये है W का कॉलम, ये यहाँ पे लिख देता हूँ समझो 5 4 6 3 2. अभी अच्छे से समझेगा, ये 5 को मल्टीप्लाई बाय 125, ये 4 को मल्टीप्लाई बाय 150, 6 को मल्टीप्लाई बाय 200 करते चलना है. ओके तो 5 इनटू 125 टेबल आता है क्या 125 का, हां बोलने का 625, 150 इनटू 4 ओरली होता है 600, 200 इनटू 6 1200, 250 इनटू 3 750 एंड अगेन 250 इनटू 2 इज नथिंग बट व्हाट 500. आई होप ये कैलकुलेशंस, मैंने यही कॉलम क्यों बनाया समझे क्या, फॉर्मूलास की वो रिक्वायरमेंट है, इसके लिए मुझे वैसा करना पड़ रहा है. तो फॉर्मूला बोल रहा था समेशन ऑफ आई डब्ल्यू, मतलब सिर्फ आई नहीं, आई इंटू डब्ल्यू का टोटल, दैट्स व्हाई मैंने कॉलम बनाया आई इंटू डब्ल्यू. और इसका मुझे यहाँ पे क्या चाहिए टोटल चाहिए जो मैं क्या करूंगा यहाँ पे रिप्लेस करूंगा. और ये मुझे डब्ल्यू का भी क्या चाहिए टोटल जो मैं यहाँ पे समेशन डब्ल्यू के सामने रिप्लेस करूंगा. तो चलो पहले सिंपल वन डब्ल्यू की टोटल कर लेते हैं. तो 3 2 5 5 5 10 10 एंड 10 समेशन डब्ल्यू इज नथिंग बट 20. ठीक है ये 20 है, ये कैलकुलेशन भी मेरे साथ करो, 500 750 1250 3050 3075 3675. ठीक है ये टोटल है 3675. कैलसी वाले कैलसी पे करो, जैसे करना है करो, यही आंसर आएगा. एंड 3675 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो इसका लगभग आधा हो जाएगा और एक पॉइंट छोड़ देंगे अपन. तो इसका आधा 360 का आधा 180 और 75 ऊपर तो इट इज 183.75. ओके इसको परसेंट का सिंबल लगाओ क्या, बिल्कुल नहीं. तो दिस इज द आंसर फॉर वेटेड अरिथमेटिक और मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर. आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है. इसके साथ हमने क्या क्या कर लिया है तो मैंने आपको अब तक ये डिटेल में सिखा दिया है, थोड़ा याद दिला दूं. तो टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में मैंने बोला था प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी, वैल्यू, स्पेशल, ऐसी चार कैटेगरीज पढ़नी है जिसमें से हमने प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ लिया है कंप्लीट, जिसमें चार फॉर्मूलास थे लेकिन उसमें से हमने तीन फॉर्मूला सीखे, तीन ही सीखने तुम लोग को, चौथा कभी पूछा नहीं जाता है, जिसके ऊपर हमने तीन क्वेश्चन भी कर लिए. इज इट क्लियर? देन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, इन सबके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बाकी है और साथ ही में स्पेशल इंडेक्स नंबर तो पूरा का पूरा डिस्कस ही करना बाकी है. तो ये पूरा डिस्कशन बाकी है, इसके क्वेश्चन आंसर बाकी है, इसके भी क्वेश्चन आंसर बाकी है, बट प्राइस इंडेक्स नंबर इज फुल्ली डन, ये हमने कंप्लीट कर दिया है.
आई होप यू लाइक द वे आई एम टीच, और वीडियोज आपको अगर पसंद आ रहे तो लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है? और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना। दैट्स इट फॉर द टाइम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।